संचालक इस शानदार मंच का कुशल संचालन कर रहे बड़े भाई अभियान विद्यार्थी सर को, जैसा कि देश बनाओ देश बचाओ रैली ये तीसरे चरण में आज चल रही है, 1700 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और इसके नायक हम सबके बड़े भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता क्रांतिकारी साथी हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय अभिषेक भैया जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, इनको भी मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करना चाहता हूँ कि आपके हौसले और जज्बे से हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है और इस मंच पर छात्र संघ बहाली के दूसरे नायक आदरणीय अखिलेश गुप्ता गुड्डू सर जो छात्र जिला अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं और महानगर के महासचिव आदरणीय, हम लोगों को जब जेल जाने की जरूरत या नौबत पड़ती है हर संघर्षों में मदद करने वाले बड़े भाई रविंदर यादव रवि जी और महानगर के अध्यक्ष बड़े भाई इफ्तिकार हुसैन साहब और एडवोकेट अनूप भैया और सारुत्री के पूर्व शानदार जानदार प्रत्याशी आदरणीय संदीप भैया भी है, हम सभी समस्त पदाधिकारियों को नेताओं को कम समय के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो ये जुल्मी जो जात जुल्मी और ताराशाही वाली सरकार है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ लड़ने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है जो मकसद आप लेकर चले हैं इसके खिलाफ आपको मजबूती से चलना होगा। ये सरकार बहुत जुल्म और जाति वाली सरकार है। आप देखिए इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्रों के ऊपर गार्डों द्वारा जो फायरिंग होती है और उनको और हमारे सीनियर को लाठी और डंडे और राडों से मारा जाता है और मुकदमा छात्र नेताओं पर लिखा जाता है, कहीं ना कहीं ये न्याय संगत नहीं है। और हम आपको मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं ये जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ छात्र नेताओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, तो लोग समय बदलता है, समय बदलने में देर नहीं लगती है, चाहे किसी भी सरकार रही हो आने वाले दिनों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को आप लोग मजबूत करिए और उनको आगे बढ़ाने का काम करिए, आने वाले दिनों में सरकार बनाने का संकल्प लेकर आप लोग यहाँ से जाइए। और जो हम लोगों का ये जो छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा है, भीड़ वृद्धि का आंदोलन चल रहा है और जो अवैध नियुक्ति वाली कुलपति का आंदोलन चल रहा है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मकसद में हम लोग कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे। ये विचारधारा हम लोग इस आंदोलन को जीतने का काम करेंगे और